बढ़ेंगे कंक्लूजन की ओर। सिर्फ $7,000 में कॉलेज की एजुकेशन। रॉबर्ट कियोसाकी यानी कि इस बुक के ऑथर कहते हैं कि अब जब ये बुक खत्म हो रही है और छपने जा रही है, मैं आपके साथ अपना एक आखिरी विचार बांटने जा रहा हूँ। इस बुक को लिखने का खास कारण लोगों को ये सिखाना था कि किस तरह पैसे की समझ से जिंदगी की आम प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है। फाइनेंशियल ट्रेनिंग के बिना हम उन्हीं घिसे पिटे फॉर्मूलों के सहारे जिंदगी काट देते हैं, जैसे कड़ी मेहनत करो, बचाओ, उधार लो और बहुत ज्यादा टैक्स चुकाओ। आज हमें ज्यादा समझदारी की जरूरत है। मैं नीचे दी हुई कहानी को एक ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम के अंतिम एग्जाम्पल के रूप में पेश कर रहा हूँ जिससे कई परिवार आज जूझ रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए किस तरह अच्छी एजुकेशन का इंतजाम कर सकते हैं और अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। इसी गोल को पाने के लिए कड़ी मेहनत के बजाय फाइनेंशियल बुद्धि का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है, ये इसी का एग्जाम्पल है। मेरा एक दोस्त एक दिन अपना टुकड़ा रो रहा था कि 4 बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसों की बचत करना कितना मुश्किल था। वो हर महीने एक म्यूचुअल फंड में $300 जमा कर रहा था और अब तक उसने लगभग $12,000 जमा कर लिए थे। उसे अपने बच्चों को कॉलेज भेजने के लिए $4,00,000 की जरूरत थी। उसके पास इसे जमा करने के लिए 12 साल थे क्योंकि उसका सबसे बड़ा बच्चा तब 6 साल का था। ये 1991 की बात थी और उस समय फिनिक्स का रियल एस्टेट मार्केट दुर्दशा में था। लोग अपना घर बार बेचने में लगे थे। मैंने अपने साथी को सुझाया कि उसके पास म्यूचुअल फंड में जो पैसा जमा है उसके कुछ हिस्से से वो एक घर खरीद ले। ये विचार उसे कुछ कुछ जम गया और हम इस संभावना पर विचार करने लगे। उसकी मेन चिंता यही थी कि एक और घर खरीदने के लिए उसके बैंक में क्रेडिट नहीं था और उसके पास इतना कैश नहीं था। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि किसी प्रॉपर्टी को फाइनेंस करवाने के लिए बैंक के पास जाने के अलावा दूसरे रास्ते भी होते हैं। हमने 2 हफ्तों तक एक मकान खोजा, एक ऐसा घर जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता हो। चुनने के लिए यानी कि चूज करने के लिए हमारे पास बहुत से घर थे, इसलिए हमें शॉपिंग में मजा भी बहुत आ रहा था। आखिरकार हमने एक अच्छे मोहल्ले में 3 बेडरूम और 2 बाथरूम वाला घर पसंद किया। मालिक उसी दिन घर बेचना चाहता था क्योंकि वो और उसका परिवार कैलिफोर्निया जा रहे थे जहां उसकी जॉब उसका इंतजार कर रही थी। वो $1,02,000 चाहता था पर हमने उसे $79,000 का ऑफर दिया। उसने तुरंत इसे मंजूर कर लिया। उस घर पर एक नॉन क्वालिफाइंग लोन था जिसका मतलब ये था कि कोई बिना जॉब वाला आदमी भी उसे बैंकर के अप्रूवल के बिना खरीद सकता था। मकान मालिक पर $72,000 का कर्ज बाकी था। मेरे दोस्त को सिर्फ बचे हुए $7,000 का इंतजाम करना था जो कि कर्ज की रकम और खरीदने की राशि का फर्क था, यानी कि लोन के अमाउंट से माइनस किया हुआ अमाउंट। $79,000 माइनस $72,000 इज इक्वल टू $7,000। जैसे ही मालिक ने घर खाली किया, मेरे दोस्त ने मकान किराए पर उठा दिया। सारा खर्च निकालने के बाद, जिसमें लोन की इंस्टॉलमेंट भी शामिल थी, उसकी जेब में हर महीने $125 आने लगे। उसका प्लान था कि वो मकान को 12 साल तक अपने पास रखे और हर महीने मिलने वाले एक्स्ट्रा $125 का इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी कर्ज उतार दे। हमने अनुमान लगाया कि 12 सालों में कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चुक जाएगा और जब उसका पहला बच्चा कॉलेज जाएगा तो उसके पास हर महीने $800 की इनकम होगी। अगर उसकी मकान की कीमत बढ़ जाती है तो वो घर को बेच भी सकता था। 1994 में फिनिक्स रियल एस्टेट मार्केट अचानक से बदल गया और उसे उसी घर के लिए उसके किराएदार ने $1,56,000 यानी कि $1,56,000 का ऑफर दिया, जो उस घर में रहता था और उसे पसंद करने लगा था। एक बार फिर उसने मुझसे पूछा कि इस बारे में मैं क्या सोचता हूँ और मैंने कहा कि वो इसे 1031 टैक्स फ्री एक्सचेंज के आधार पर बेच दे। अचानक ही उसके पास लगभग $80,000 एक्स्ट्रा आ गए। मैंने ऑस्टिन टेक्सास में अपने एक और दोस्त को फोन किया जिसने इस एक्स्ट्रा पैसे को एक मिनी स्टोरेज फैसिलिटी में लगा दिया। 3 महीने के अंदर उसे हर महीने लगभग $1,000 के चेक मिलने लगे जिसे वो कॉलेज म्यूचुअल फंड में जमा करने लगा, जो अब बहुत तेजी से बढ़ रहा था। 1996 में मिनी वेयर हाउस बिक गया और उसे लगभग $3,30,000 का चेक मिला जो उसने एक नए प्रोजेक्ट में लगा दिए, जिससे उसे हर महीने $3,000 से ज्यादा इनकम होने लगी जो उसके कॉलेज म्यूचुअल फंड में जाने लगी। अब उसे पूरा विश्वास है कि उसका $400,000 का गोल आसानी से हासिल हो जाएगा। इसके लिए उसे शुरुआत में सिर्फ $7,000 और थोड़ी सी फाइनेंशियल बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ा। उसके बच्चों को अब उतनी अच्छी एजुकेशन मिल सकती है जो वो हासिल करना चाहते हैं और वो अपने ओरिजिनल कैपिटल का इस्तेमाल अपने रिटायरमेंट के लिए कर सकता है जो अभी उसने सी कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट की हुई है।
इस सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के कारण अब वो जल्दी ही रिटायरमेंट ले सकता है। इस बुक को सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि इससे आपको कुछ फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज मिली होगी कि किस तरह पैसे की ताकत का इस्तेमाल किया जाए, पैसा आपके लिए काम करे। आज हमें बचे रहने के लिए भी पैसे की समझ की जरूरत है। ये विचार कि पैसा बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, फाइनेंशियल रूप से ना समझ लोगों का विचार होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि वे समझदार नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उन्होंने पैसा बनाने की स्किल अभी नहीं सीखी है। पैसा सिर्फ एक थॉट है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ अपने थॉट्स को बदल लें। हर सेल्फ मेड आदमी ने छोटे स्केल पर एक थॉट से शुरुआत की थी और बाद में इसे बड़ा किया था। यही इन्वेस्टमेंट के बारे में भी अप्लाई होता है। शुरू करने के लिए सिर्फ कुछ डॉलर ही काफी है और बाद में इनसे बड़ी रकम बनाई जा सकती है। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूं जो जिंदगी भर किसी बड़ी डील के पीछे भागते रहते हैं या बड़ी डील के लिए बहुत सा पैसा जुटाते रहते हैं, पर मेरी नजर में यह मूर्खता है। ज्यादातर मैंने ना समझ इन्वेस्टर्स को अपना बड़ा अंडा एक ही कॉन्ट्रैक्ट में लगाते हुए और इस कारण उन्हें तेजी से बर्बाद होते हुए देखा है। वे अच्छे काम करने वाले हो सकते हैं, वे अच्छे सिटीजन हो सकते हैं, पर वे अच्छे इन्वेस्टर नहीं थे। पैसे के बारे में एजुकेशन और बुद्धि इंपॉर्टेंट है। जल्दी शुरुआत करें, कोई बुक खरीदें, किसी सेमिनार में जाएं, प्रैक्टिस करें, छोटी शुरुआत करें। मैंने 6 साल से भी ज्यादा कम समय में $5,000 को $1,000,000 की प्रॉपर्टी में बदला है, जिससे हर महीने $5,000 यानी कि $5,000 का कैश फ्लो आता है। पर मैंने ये बचपन से सीखा है। मैं आपको सीखने के लिए इसीलिए एनकरेज करता हूं क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है। दरअसल एक बार आपको इसकी लत पड़ जाए तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। मैं समझता हूं कि मैंने अपना मैसेज बहुत क्लियर तरीके से पहुंचा दिया है। आपके हाथ में क्या है इस बात का फैसला इस बात से होता है कि आपके दिमाग में क्या है। पैसा सिर्फ एक थॉट है। एक बहुत बढ़िया बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। इसका टाइटल ये नहीं है कि कड़ी मेहनत कीजिए और अमीर बनिए। ये सीखें कि किस तरह आप पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवा सकते हैं और आपकी जिंदगी किस तरह ज्यादा आसान और सुखद हो सकती है। आज इस बात की जरूरत है कि आप सेफ गेम खेलने के बजाय स्मार्ट बने और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। रॉबर्ट कियोसाकी का एक एजुकेशनल कमर्शियल। 3 तरह की इनकम। अकाउंटिंग की दुनिया में 3 अलग अलग तरह की इनकम होती है, एक अर्न्ड इनकम, दूसरा पैसिव इनकम और तीसरा पोर्टफोलियो इनकम। जब मेरे असली डैडी ने मुझसे कहा था स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक सिक्योर जॉब खोजो, तो वे मुझे ये सुझाव दे रहे थे कि मैं अर्न्ड इनकम के लिए काम करूं। जब मेरे अमीर डैडी ने कहा अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं, तो वे पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम के बारे में बात कर रहे थे। ज्यादातर मामलों में पैसिव इनकम रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट से हासिल होती है। पोर्टफोलियो इनकम पेपर असेट से मिलती है, पेपर असेट यानी कि स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड। पोर्टफोलियो इनकम वो इनकम है जिससे बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। वे अर्न्ड इनकम के द्वारा अमीर नहीं बने। अमीर डैडी कहा करते थे अमीर बनने की चाबी है अर्न्ड इनकम को पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम में जितनी जल्दी संभव हो सके बदलने की काबिलियत। वे कहते थे अर्न्ड इनकम पर टैक्स सबसे ज्यादा लगता है, सबसे कम टैक्स पैसिव इनकम पर लगता है। एक और कारण है कि आप अपने पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाएं। गवर्नमेंट उस इनकम पर ज्यादा टैक्स लगाती है जिसके लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं, और उस इनकम पर कम टैक्स लगाती है जिसके लिए आपका पैसा कड़ी मेहनत करता है। अमीर डैडी कहा करते थे सच्चा इन्वेस्टर सिर्फ यही करता है कि वो अपनी अर्न्ड इनकम को पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम में बदल ले। अगर आप ये जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो इन्वेस्ट करना रिस्की नहीं है, ये सिर्फ कॉमन सेंस की बात है। फाइनेंशियल आजादी की चाबी। फाइनेंशियल आजादी और ढेर सारी दौलत की चाबी है किसी इंसान की अपनी अर्न्ड इनकम को पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम में बदलने की स्किल या काबिलियत। यही वो स्किल है जिसे माइक और मुझे सिखाने में मेरे अमीर डैडी ने इतना ज्यादा समय लगाया। उस एबिलिटी के कारण ही आज मेरी पत्नी किम और मैं फाइनेंशियल रूप से आजाद हैं, और हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इसलिए काम करते हैं क्योंकि हमें काम करना अच्छा लगता है। आज हम एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के मालिक हैं जिससे हमें पैसिव इनकम मिलती है, और हम पोर्टफोलियो इनकम के लिए शेयर मार्केट में IPO या पर्सनल रूप से भाग लेते हैं। हमने अपनी पार्टनर शेरॉन लेक्टर के साथ मिलकर ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कंपनी भी बनाई है जो बुक्स, टेप और गेम्स बनाती है और पब्लिश करती है। हमारे सभी एजुकेशनल प्रोडक्ट इस तरह बनाए गए हैं कि लोग वही सीख सकें जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था। बेस स्किल्स
जिनके द्वारा अर्नड इनकम को पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम में बदला जा सकता है। मेरे अमीर डैडी कहा करते थे, एक सच्चा इन्वेस्टर ऊपर जाने वाली मार्केट और नीचे आने वाली मार्केट दोनों में ही पैसे कमा सकता है। उनके ज्यादा पैसे कमाने के कारणों में एक ये होता है कि उनमें ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। अमीर डैडी कहा करते थे, उनमें ज्यादा कॉन्फिडेंस इसलिए होता है क्योंकि उन्हें हारने का डर कम होता है। दूसरे शब्दों में, एवरेज इन्वेस्टर उतना ज्यादा पैसा इसलिए नहीं कमा पाता क्योंकि उसे पैसा गंवाने का डर होता है। और इसी मोड़ पर बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज देती हुई ये बुक यहीं पर समाप्त